हरियाणा जीते, जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन बेहतर किया, महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल की, झारखंड में आगे के लिए सबक लिया। दो महीने के भीतर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री के नाम, नारे, नीतियों पर मिलती जीत से बीजेपी क्या और मजबूत हो रही है? जहां हरियाणा की जीत ने बीजेपी को बूस्टर डोज दिया था, महाराष्ट्र के एक तरफा जनादेश ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है। मोहर इस बात पर भी लग गई कि एक है तो सेफ है का नारा अब चल चुका है। महाराष्ट्र की महाविजय होते ही ये वीडियो फिर से चर्चा में आता है। हिंदू जगाने की बात करते देवेंद्र फडणवीस का वीडियो, वोट जिहाद के बदले वोट के धर्म युद्ध से जहां जवाब देने की बात हुई और महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है का नारा प्रधानमंत्री ने दिया। एक है तो अब वापस महाराष्ट्र में एकजुट होता एनडीए का वोट, इसीलिए सवाल आया क्या हरियाणा के बाद महाराष्ट्र ने मुहर ये लगा दी कि बीजेपी का छिटका बहुसंख्यक वोट फिर से एक हो चुका है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। एक है तो सेफ है का ये नारा इसलिए महाराष्ट्र में अब अहम माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हाथ में संविधान लेकर ही जाति आधारित मुद्दों पर जैसे जाति गणना, पिछड़ों को आरक्षण देंगे, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी का नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ा, नुकसान एनडीए को दिखा दिया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का नारा एक है तो सेफ है चल चुका है। आंकड़े इस बात को साबित करते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए का 2019 के मुकाबले सवर्ण वोट 29% घटा था, मराठा वोट 11% घटा था, ओबीसी वोट 31% तक घट गया था, आदिवासी वोट भी 3% घटा था। लेकिन अब की बीजेपी ने महाराष्ट्र के हर हिस्से में जीत हासिल की है। विदर्भ में 46 सीट एनडीए जीता, 13 विपक्ष, पश्चिमी महाराष्ट्र में 55 सीट महायुति ने जीती, 12 महाविकास आघाड़ी ने, मराठवाड़ा में एनडीए 37 जीता तो महाविकास आघाड़ी 9, ठाणे कोंकड़ में 35 सीट एक तरफा महायुति ने जीती, 3 सीट विपक्ष को मिली, मुंबई में आंकड़ा 21 और 15 सीट का रहा, खानदेश इलाके में भी एक तरफा 36 में से 34 सीट एनडीए ने जीती है, 1 सीट विपक्ष को मिली है। इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते, ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता, देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। आदिवासी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया, ओबीसी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया, मेरे दलित भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया, समाज के हर वर्ग ने भाजपा एनडीए को वोट दिया।
आज इसे हम महाविजय सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने सीटों का रिकॉर्ड बना दिया है, प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। यह महाविकास और महाविजय इसलिए भी है क्योंकि 15 राज्यों में 48 सीटों के उपचुनाव में भी जनता का भरोसा विपक्ष से कहीं अधिक बीजेपी के गठबंधन पर कायम है। जहां कांग्रेस के पास उपचुनाव से पहले देखिए सीटें 13 बची थी, वहीं अब वो 7 रह गई हैं। कांग्रेस गठबंधन उपचुनाव में अपनी 29 में से 20 सीटें गंवा चुका है, दोबारा नहीं जीत पाया। इसलिए यूपी का इतिहास भी है, जहां 3-3 दशक से बीजेपी कभी नहीं जीती थी, उन सीटों पर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने उपचुनाव में 10 सीटों का फायदा हासिल किया है, अब जबकि बीजेपी गठबंधन को 9 सीटों का यहां पर फायदा हुआ है। देखिए बिल्कुल इस तरह से इंडिया गठबंधन को 9 का नुकसान, बीजेपी को 10 का फायदा और एनडीए गठबंधन को 9 का फायदा हुआ है। आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है।